हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। सो गाइस, आज के वीडियो ब्लॉग वीडियो नहीं होने वाली है, रेसिपी ब्लॉग होने वाली है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं ये छोटी वाली मछली है, और ये पता ना कौन सी मछली है, मुझे नाम तो नहीं पता। अगर आप लोग को पता है तो कमेंट करके बताइए। तो आज के मैं वीडियो में इसी का रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, कैसे बनता है। चलिए ब्लॉग पे बने रहो, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए इसको चलते हैं धोने, और इसको तोड़ना पड़ेगा इसको। तो अभी हम लोग बारीक बारीक करके मछली को तोड़ रहे हैं। देखिए सारा मछली हम लोग तोड़ लिए हैं बारीक करके, अब इसको धोने चल रहे हैं हम लोग। तो इसको रगड़ करके धोना है ताकि इसके अंदर जो भी मैल है मछली में सब निकल जाए। तो चलिए धोते हैं मिलकर। तो मछली को धोते समय इसमें नमक डालकर भी धोना पड़ता है, आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा। और अच्छी तरह से साफ धोइएगा तभी टेस्ट आएगा मछली का, नहीं तो इसे बदबू देगी मछली। तो फाइनली दोस्तों देखिए मेरा मछली बहुत साफ पानी से मैं धो दी हूँ, और एकदम चमक रही है मछली। चलिए अभी इसको इसमें से छान लेते हैं अच्छे से धोकर साफ पानी से। अभी हम लोग मछली धो लिए हैं, आप लोग देख सकते हैं, अब जा रहे हैं बनाने। तो अभी हम बनाएंगे जलावन पे मछली, जो जलावन पर के खाना का टेस्ट ही अलग होता है। तो अभी मसाला फ्राई करना है, मसाले में सारे मसाले लेना है, धनिया, जीरा पाउडर, हल्दी, मिर्चा, सरसों, लहसुन का पेस्ट, और अपने हिसाब से सब मसाला ऐड कर लीजिए। चलिए अब मैं मसाले को फ्राई कर रही हूँ। तो अभी मसाला फ्राई हो गया है, आप लोग देख सकते हैं कलर भी आ चुका है मसाले का। अब इसमें करना है पानी को ऐड, अपने हिसाब से पानी को ऐड कर ले, और इसमें मछली को ऐड कर देना है, और थोड़ी ही देर में हमारी मछली रेडी हो जाएगी। तो मैं अपने हिसाब से पानी को ऐड कर ली हूँ, आप लोग देख सकते हैं। बस थोड़ी देर में हमारी मछली रेडी हो जाएगी, और देखिए इधर पूरा जोरों शोर से आँच जल रहा है अभी। तो फाइनली गाइस हमारी मछली रेडी हो गई है, आप लोग देख सकते हैं टेस्ट कैसा है, कलर कैसा आया है, कमेंट करके बताइए। अगर चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। एक कमेंट जरूर करिएगा, और बनाने का रेसिपी कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए।